गुरुजी सीताराम। सीताराम चेला, क्या है नाम? विपिन। बोलो। मैं मैनपुरी के रहने वाला हूँ गुरुजी। उत्तर प्रदेश जी। हाँ, आज्ञा करो। आज्ञा, ये मैं सेवा बहुत करता हूँ गुरुजी। हैं? पूजा बहुत करता हूँ। तो क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है, मैं जब आपके दरबार पे आया हूँ तो मुझे घाटा हुआ है। हमारे दरबार पे? जी। क्या घाटा लग गया बेटा? घाटा ये गुरुजी, ये बताइए, जैसे मैं आपके दरबार पे आए, हाँ, तो किसकी आज्ञा लेके आए? हाँ, किसकी आज्ञा लेके आऊं? हाँ, माता पिता घर में है तो माता पिता की जी। गुरु जी की मानते हो, तुम मानते किसकी हो? माता पिता की। बस झंझट खत्म। तो गुरु जी एक बात है आपसे। हाँ। हमने एक गुरु जी बनाए थे। गुरुजी बनाए थे, हमारी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी तो भगत थे। अच्छा। तो मैं आपके दरबार पे चला गया बगैर आज्ञा लेके। किसकी बिना आज्ञा के? गुरुजी की, माता पिता की आज्ञा लेके गया था। हाँ। और गुरुजी की नहीं लेके गया था। हाँ। तो हमारे 4,000 रुपए और लाइसेंस बटुआ सब गायब हो गया। तो गुरुजी ने कर दिया तुम्हारे? नहीं तो सुनो तो गुरुजी, तो उन्होंने क्या बोला कि तुम मेरी आज्ञा लेके नहीं गए इसलिए हो गया, और बेटा दोबारा जाओगे फिर भी ऐसा ही होगा। उन्होंने मेरी बेइज्जती बहुत करी है। अम्मा लिया, तुम्हारे गुरुजी कहाँ के हैं बेटा? गुरुजी वो भी मैनपुरी के ही हैं। उनसे कह दियो 18 तारीख से 25 तारीख के बीच में हम फिर से जा रहे। गुरुजी वो सुना तो, अब हमारी तो सुन ठटरी के बारे। बताइए गुरुजी, बताइए। 18 तारीख से 25 तक हम धाम पर हैं जी। तुम कह देना हम फिर से जा रहे, 18 से 25 में तुम्हारा हम घाटा नहीं होने देंगे, ये हमारी गारंटी है। गुरुजी बाकी तुम उनसे गारंटी ले लियो कि तुम घाटा कर दो। गुरुजी मैं 4 बार गया, 4 बार घाटा हुआ, 1 बार 4,000, 1 बार 2,000। अरे हमारी तो सुन। हाँ। 18 से 25 में पहुंच जी, तो कहिए कि गुरुजी घाटा कर दो जी। ठीक जी, 18 से 25 में जो घाटा होगा वो हम चुकाएंगे। तो ऐसे भगतर की गुरुजी ठटरी बनाइए, ठटरी मारिए। ऐसे भगतन की ठटरी? किसी भी गुरु की हम निंदा नहीं करते हैं, वो अपनी जगह हैं। तो गुरुजी शादी कब कर रहे हो? साथ बारात में हम तैयार होके आ रहे हैं गुरुजी। हम तो सोचे थे गंभीर मुद्दा है गुरुजी आपके, हमने इधर उधर वीडियो देखते हैं कि इसके साथ शादी हो रही है, इनके साथ शादी हो रही है, फलानी तारीख को डेट बना दी। बेटा घर हमारा बस न, तो का टेंशन है आपके, आपके घर भी गए, आपके माता जी के पेट छूके आए गुरु जी। हम गुरुजी हम आपके माताजी के मिल के आया हूँ, पैर छू के आया हूँ, 7 दिन रुक के आया हूँ आपके दरबार पे। अरे घर हमाओ बसने, ब्याह हमाओ होने, लुगाई हमें मिलने, तो क्या मिर्चा लग रहा है हमें? तो गुरुजी हम कर लेंगे बेटा, शादी हो जाए, अच्छी बात है गुरुजी। मतलब हमें ऐसे तो खुश नहीं दिखा रहे हैं, हमें बरात में जाने हैं। बरात में बेटा, बारात में अवई चलो, चल जी जल्दी विवाह कर लेंगे, तुम्हारे चक्कर ही में अब हमें जल्दी शादी करनी। सर आपकी बारात में आए गुरुजी के नहीं आए? गुरुजी स्कूल से आए हो? गुरुजी भैया आना है हमारी बारात में बेटा, लाएंगे गुरुजी। भैया तुम अपना बेटा फोन नंबर लिखा दो, खानदान सहित आइयो। 9411046027 भैया रहने वाला हूँ, मैनपुरी उत्तर प्रदेश, ग्राम राजपुरा। बस बेटा अब ते सूट सिलवा ले, तैयारी करे रहा, सुपारी सूट बनवा ले के सादा बनवा ले, नंगो आइए। नंगे यार शर्म लगे गुरुजी, तो अबे शर्म नहीं आ रही तो कल क्या खा खाएगी? तो हमने गलत ना शब्द पूछो का ना भगत बेइज्जती करी थी, उसकी चिंता मत करो, वो तो ये तो मजाक की गुरु बात जी। मैं सेवा बहुत करता हूँ गुरु जी, कसम से मैं पूजा बहुत करता हूँ। भैया माइक छोड़ दे, पहले हम तोरे भगत खां ठिकाने लगा दे भी,
18 से 25 में ते आ जाइए तो ये घाटा ना हुई है। बताए हुए मोबाइल नंबर और पते पर अपनी शादी का कार्ड भेज देंगे, पर हमारे पिंड छोड़ दे, माइक छोड़ दे कक्का। ये जितने पगला हैं हमारे ही भाग्य में लिखे ब्रह्मा जी ने। दूसरी जाना माइक दो, यह हो रघुनाथ जी की।